फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल स्वाति महेंद्रू एंड फ्रॉम शिमला. वेलकम टू शिमला. लास्ट डे ऑफ आर ट्रिप, डे 3 है. अभी हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से एंड थोड़ा सा लंच करने के लिए जाएंगे, कॉफी हाउस जाएंगे, मॉल रोड पे फिर से थोड़ा सा वॉक करेंगे एंड लास्ट टाइम है कि ये नेचर को इतना पास से एब्जॉर्ब करेंगे. मैंने पहना है नॉर्मल सा अनुज का टी शर्ट एंड जीन्स, एकदम रेडी हो गया, हमारा पैकिंग हो गया है. तो अभी हम चेकआउट करते हैं और चेकआउट करने के बाद आपको बाहर मिलते हैं. थैंक यू सो मच. निकल गए हैं हम फिर से मॉल रोड पे फॉर द लास्ट टाइम एंड ब्रेकफास्ट नहीं किया है. डायरेक्टली वी आर गोना हैव दिस एम्बेसी शिमला से पेस्ट्री. आज का दिन हम शुरू करने वाले हैं एम्बेसी बेकरी से, जो कि बहुत ही फेमस एम्बेसी बेकरी है. एंड यहाँ से मैंने एक पेस्ट्री लिया बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा बहुत सारा चीजें टेस्ट करने वाले हैं. और आज मैंने यहाँ से लिया है ये वाला पाई केक, जो कि खाने में मुझे ठीक ठाक लगा. प्राइस के हिसाब से प्राइस ही थोड़ा ज्यादा था. इट्स फाइन. एंड जब आप मॉल रोड पे जाते हैं ना, तो आपको इस तरह के बेंचेस दिखेंगे जहां अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं या बैठ के कुछ खाना चाहते हैं तो उसके लिए. एंड उसके बाद हम एक कैफे गए थे जहां हमने खाए ये मोमोज, जो कि मुझे ज्यादा कुछ खास यार, लगे मोमोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, इतने ड्राई थे. मतलब बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रह रहा है यहाँ पे मोमोज खाने का, जिसमें कि इतने फेमस होते हैं यूजुअली हिल स्टेशन के मोमोज. थोड़ा आगे चल के हम एक और व्यू पॉइंट पे बैठ गए थे बिकॉज वेदर बहुत अच्छा हो गया था. एंड लास्ट टाइम मैं सोक इन करना चाहती थी इतनी अच्छे व्यूज को, जो भी नेचर यहाँ से दिख रही है. वेदर भी काफी अच्छा था तो हमने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करते हैं एंड थोड़ा सा व्यू को एंजॉय करते हैं. एंड ये देखिए, एक ऑप्टिकल शॉप पे हेयरिंग एड मिल रहा है. एक ऑडियोलॉजिस्ट जहाँ भी जाए उसे हेयरिंग एड शॉप दिखी जाती है. और जी चलते चलते अब हमें दिखे डोमिनोज, जो कि हम दो दिन से अवॉइड कर रहे थे. एक तो माल रोड पे ये तो रोज ही दिख रहा था, बट अब हम सोच रहे हैं कि इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म पिज्जा हो ही जाए. इसे कौन कौन पिज्जा लवर है जरूर बताइएगा, स्पेशली अगर आपको भी डोमिनोज का पिज्जा अच्छा लगता है तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में. क्या हुआ, 5 मिनट बाद मिलेगा? चल वैसे भी इतना खा लिया, इतनी भी भूख नहीं लग रही, वेट कर लेंगे. फाइनली हमारा पिज्जा आ गया है आफ्टर वेटिंग फॉर एजेस. खोल के दिखाना है कौन सा पराठा पिज्जा. ये कोई पिज्जा है, नकली पिज्जा? ये क्या है, पराठा पिज्जा क्या होता है ये तो? ये क्या है? वैसे मुझे लगा था कि ये अच्छा नहीं होगा, बट ये खाने में एक्चुअली में बहुत टेस्टी था. फाइनली आफ्टर 3 डेज का स्ट्रगल हम यहाँ पे एक स्पेस मिल गए एंड नाउ आई रियली वांट टू सी कि ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ पे. यहाँ पे सीट्स ही खाली नहीं है. आई थिंक दिल्ली वाला जो सीपी वाला कॉफी हाउस है वैसा ही होगा, देखते हैं. हमने यहाँ पे ऑर्डर किया डोसा, उत्तपम एंड कॉफी. कॉफी बहुत ज्यादा टेस्टी थी एंड डोसा एंड उत्तपम भी बहुत टेस्टी था. सांभर उतना टेस्टी नहीं था बट ओवरऑल अच्छा था. मौसम देखिए कितना ज्यादा प्यारा हो गया है, बारिश आ रही है और मुझे दाढ़ियाँ भी आ रही हैं और मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है, पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही है. एक सरप्राइज है हिमांशु ने, क्योंकि मैं कभी टॉय ट्रेन में नहीं बैठी थी तो हिमांशु ने बस की टिकट कैंसिल करा के स्पेशली मेरे लिए टॉय ट्रेन की टिकट कराई है. मैं फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ. एक तो ना व्लॉगिंग करना इतना मुश्किल है, सब लोग देखते रहते हैं पब्लिक प्लेस पे. रूम में तो कितना ईजी होता है, कैमरा ऑन करो और जो भी आपको डिस्कस करना आप कर सकते हो. बट सच में पब्लिक प्लेस पे कभी आप करके देखते हो व्लॉगिंग कितना मुश्किल है, सब लोग घूर घूर के देखते रहते हैं. देखिए हिमांशु पीछे सूट केस ला रहे हैं, देखो देखो. और मैं आपको रेलवे स्टेशन की लोकेशन दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है. वाओ
और हिमांशु आगे पहुंच गए हैं, मेरी डांट पड़ जाएगी, मुझे भी जल्दी जल्दी चलना चाहिए। ही इज वेटिंग फॉर मी। भाई इतना किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम शिमला रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं एंड ये रही हमारी टॉय ट्रेन। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। टॉय ट्रेन जो है वो शिमला से कालका तक ही चलती है या कालका से लेके शिमला तक चलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉय ट्रेन आपको मिल जाएंगी, फुली एसी भी मिल जाएगी, नॉर्मल भी मिल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग उनका टिकट प्राइस वेरी करता है, 75-80 रुपीज से लेके 700-750 तक। हमारी वाली जो टॉय ट्रेन है वो पूरी एसी थी, उसके अंदर हमें स्नैक्स प्लस में लंच दो मील भी प्रोवाइड किए गए थे। एंड बहुत स्लो होती है ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप रोड से जाएंगे तो शायद आप कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाएं, बट एक ही अलग ही एक्सपीरियंस है। आई फील सबको वंस इन अ लाइफ टाइम जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। सीनरी बहुत अच्छी होती है एंड व्यू बहुत अच्छा होता है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है इस तरह की ट्रेन में बैठने का। एंड पूरा हिल स्टेशन के अंदर जो भी आपका पहाड़ी इलाका है उसके आसपास ये ट्रेन चलती है एंड अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा मेरी गर्दन वर्दन में दर्द हो गया था बिकॉज बहुत स्लो थी ट्रेन। एनीवेज उसके अलावा हमने ट्रेन तो खैर बाद में ही बोर्ड करी थी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, मैं तो पहले जाके सो गई थी। जो भी वेटिंग रूम था रेलवे स्टेशन पे ठीक ठाक था, वो भी क्लीन था। एंड जो टॉय ट्रेन है हर कंपार्टमेंट में इवन आपको टॉयलेट भी मिलेगा। ये एक स्टेशन पे बीच में रुकी थी तो हिमांशु उतरे थे, फिर अभी नहीं लग रही, थोड़ी देर बाद आएगा खाना। आ जाओ ये देखो ये रही ट्रेन, मैं बोल रही हूँ आ जाओ, वो विसल कर रही है कम। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, मुझे तो इतना मजा आ रहा है ना ये सारा व्यूज देख के, सनसेट देख के। इसीलिए वर्थ है टॉय ट्रेन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के जाना। और यहाँ पे हम दोनों गाने सुन रहे हैं टर्न वाइज, पहले मैं प्ले कर रही हूँ अपना चॉइस का सॉन्ग, फिर हिमांशु प्ले कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा था बिकॉज हमारी चॉइसेस मोस्टली बहुत अलग रहती है सॉन्ग्स की, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक आपका हेल्पिंग पर्सन भी रहता है हर कंपार्टमेंट के अंदर, सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट पर्सन विल बी देयर। ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको लोनली फील होगा, कोई ना कोई रहेगा वहां पे हेल्प करने के लिए। बीच बीच में काफी स्टेशन आते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कालका पे जाके ही रुकेगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन बहुत स्लो है, तो आप देखिए हम लोग कितने उजाले में बैठे थे ट्रेन के अंदर और अब हो गई है रात। बट इसी बहाने रात में पहाड़ी इलाके को देखने का मौका मुझे मिल गया, कितनी लाइट्स हैं, कितना प्यारा लग रहा है। कैमरा में तो मैं एक्चुअली उतना कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट जब मैं डायरेक्टली अभी देख रही हूँ ना तो सच में मजा आ रहा है कि कितना प्यारा लग रहा है देखने के अंदर। बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, थोड़े से कीड़े मकौड़े भी आ जाते हैं अगर आप विंडो को ओपन करके रखेंगे तो, बट ताजी हवा तो लेनी ही बनती है, तभी मजा है टॉय ट्रेन के अंदर घूमने का एक्चुअली। एंड ट्रेन डीबोर्ड करने से पहले बड़ा अनप्लेजेंट सा मैसेज आ गया, हंस रही हूँ पर गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है एंड हमें नहीं पता कि कैसे जाएंगे क्या करेंगे। और बज रहे हैं रात के 11, वेरी नाइस, थैंक यू इंडियन रेलवे जस्ट बताने के लिए आधा एक घंटे पहले कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, जबकि हम ऑलरेडी कनेक्टिंग टॉय ट्रेन के अंदर थे एंड नॉट गिविंग अस एनी अदर ऑप्शन, थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बारे में आई विल टॉक इन डिटेल फॉर श्योर। ये अभी हम कालका रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं एंड स्टिल फिगरिंग आउट कि कहाँ जाना है क्या करना है। काफी देर के डिस्कशन के बाद अब हमने ये कैब बुक करी है चंडीगढ़ तक की, तो अब हम कैब से फिलहाल जा रहे हैं चंडीगढ़। ये देखिए कितना अंधेरा है एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो इस टाइम तो शायद मैं बस चुपचाप वेटिंग रूम में बैठ जाती। एंड ये देखिए ये चंडीगढ़ एक्चुअली बहुत प्रीटी है, जाते टाइम भी मैंने देखा था एंड अब मैं कैब से और भी ज़्यादा पास से देख पा रही हूँ। तो अब हम यहाँ के रेलवे स्टेशन पे फिलहाल उतर गए हैं और इसके बाद क्या होगा ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स अभी दिल्ली एक्चुअली आ गए हैं हम एंड मैंने सोचा इट इज़ हाई टाइम, अब तो मुझे ये शूट करने ही है, बट मुझे ये था कि वापसी आके अच्छे से मुझे बात करनी थी आप लोगों से। एंड मे बी मैं इस चीज़ में रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आई वॉज इन दैट सिचुएशन।
ठीक है, तो विदाउट गोइंग इन टू पॉलिटिकल डिटेल्स या क्या ठीक है क्या गलत है, व्हाट हैपेंड टू अस एंड टू सो मेनी अदर पीपल जिनका कोई फॉल्ट नहीं था उनके साथ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। एंड मैंने यही बोला आपको, स्टेशन पे आराम से ही बैठ के बात करनी पड़ेगी, ये सब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। व्हेन वी गॉट स्टक इन कालका तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाला था, सो मेनी पीपल, मैं उसमें से कुछ मैसेजेस यहाँ वहां लगा दूंगी अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो। सो मेनी पीपल मैसेज्ड मी, किसी की ट्रेन 25 घंटा लेट हो गई है, कोई किसी स्टेशन पे फंसा हुआ है क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई है। आई सॉ टॉय ट्रेन में जितने भी लोग थे वो कनेक्टिंग ट्रेन में जाने वाले थे, उसमें से कुछ लोगों के अंदर फैमिली मेंबर्स थे जो बीमार थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक स्टे रुक करना या फिर सडन कोई ऑप्शन ढूंढना। एंड ऑल्सो इट वॉज मिड नाइट, बहुत लेट हो गया था एंड हमें थोड़ी ही देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आप लोगों ने देखा हमें कितनी प्रॉब्लम हुई, समहाउ वी रीच्ड चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ में फिर हमने स्टे किया बिकॉज देन वी वर नॉट गेटिंग द स्लीपर बसेस। एंड वो बाई चांस बस भी हमने मिड नाइट आज की करी और वो कल की हो गई, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा फिर चंडीगढ़ वाला। बट बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, व्हाट इफ अगर हमें नेक्स्ट डे ज्वाइन करना होता, वी बोथ आर वर्किंग एंड जिनके साथ दो बच्चे थे, बच्चे मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट्स थे शायद, उनके साथ हम कैब में चंडीगढ़ तक आए एंड दे बोथ वर डिस्कसिंग कि अब दिल्ली कैसे जाना है, रोडवेज से जाना है, उनको स्लीपर वगैरह वाली बसेस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो लोग, तो वहां स्टे करना है एक दिन पूरा। देखो ऐसे आसान लगता है बट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, किसी ने प्लान नहीं किया एक और दिन का, घर पे कुछ काम हो सकता है या फर्दर आपके कुछ मीटिंग्स हो सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि अननेसेसरीली किसी के प्राइवेट व्हीकल को आग लगा दी, ये सब क्या है, ट्रेन का इतना लॉस हुआ। एंड सेकेंड जो मेरी कंप्लेंट है, पहले तो ये सब था जो भी किया, पता नहीं इतना एग्रेसिवली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी के प्राइवेट टाइम को खराब करना कितनी ज्यादा गलत बात है। उसके बाद सेकेंडली जो मुझे कंप्लेन थी वो थी इंडियन रेलवे से, व्हाट इज दिस, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है, लोग इतना हंगामा कर देते हैं कि इतना ज्यादा कैंसिल हो गया है तो यू गिव अस ऑप्शन कि कैसे जाएं, या फिर अगर ज्यादा डिले है तो यू प्रोवाइड अस मील और द स्टे। व्हाट अबाउट इंडियन रेलवे, हमारा एसी टिकट भी उतना ही ऑलमोस्ट महंगा होता है जितना फ्लाइट का होता है। यू आर गिविंग अस इन्फॉर्मेशन 1 or 2 hours बिफोर रीचिंग दिस स्टेशन। मैंने देखा एक ओल्ड लेडी थी वहां स्टेशन पे आ गई थी, हम जब चंडीगढ़ जाने के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे थे या दिल्ली जाने के लिए भी, वी आर वेरी कन्फ्यूज कालका पहुंच के कि अब हमें क्या करना है पहुंचने के बाद भी, बिकॉज थोड़ी देर पहले आई वॉज पर्सनली वेरी वेरी एंग्री बिकॉज मुझे विदाउट प्लान जाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैंने देखा कि वहां एक ओल्ड लेडी आई हुई थी किसी के साथ ऑटो में, बाई चांस हम वही ऑटो पूछ रहे थे चंडीगढ़ जाने के लिए, तो हमने उन आंटी को बताया, आंटी ट्रेन कैंसिल हो गई, एंड फिर उनको भी लगा कि पता नहीं हुई है नहीं हुई, उन्होंने कन्फर्म किया, हमने बताया तो वो ऑटो वाले भैया वहीं रुक गए कि आंटी अच्छा ठीक है आप पता कर लो मैं वापसी ले जाता हूँ, वरना इतनी रात को ऑटो वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, सेफ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इंडियन रेलवे ने हमें क्यों नहीं कुछ प्रोवाइड कराया, क्या सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडियन रेलवे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? आप सडनली ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है आप कर रहे हैं सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, आई एग्री, बट आप कोई ऑप्शन तो प्रोवाइड कराइए उसके अलावा। एंड जो हमारे महान लोग हैं उनकी वजह से जो इतना इंडियन रेलवे का लॉस हुआ वो तो अलग बात है, जो आपने ट्रेन चले जो हुआ लॉस वो तो ठीक है, उसके साथ में इतने सारे कैंसिलेशन हुए, टिकट्स कैंसिल हुए, ट्रेन कैंसिल हुए, वो लॉस हुआ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें इन सब चीजों को एग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेन को यूज करिए, अपनी बात रखिए, बट हम हर बात को अच्छे तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से तो मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं तो आप जरूर बताइएगा। तो अब मैं ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म कर रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हुई एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई होगी क्योंकि समर ब्रेक था तो बहुत सारे लोग ट्रिप्स पे थे, कहीं प्लान कर रहे थे, अटक गए थे, सो कुछ नहीं किया जा सकता। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बाय बाय।